हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर एक नए वीडियो में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आया हूँ मयूर विहार फेस वन के पास, और यहाँ पे देखिए यहाँ जो यमुना किनारा है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, पीछे यमुना किनारा है। और यहाँ कुछ लोग जो किसान के तौर पर काम करते थे, खेती करते थे, और ये लोग अभी बाढ़ की वजह से परेशान हैं और सड़कों पर रहने पर मजबूर हैं। देखिए मेरे पीछे, और इधर भी देखिए आप, अगर आप दूर तक देख रहे होंगे तो लोग सड़कों पर रहने पर मजबूर हैं, और कुछ सरकार ने भी सहारा दिया है। और देखिए वहाँ पर रहने के लिए और पानी वगैरह की और खाने पीने की सुविधा है थोड़ी बहुत, और कुछ लोग पब्लिक भी यहाँ पे आते हैं जो सेवा करके चले जाते हैं इस मुश्किल घड़ी में। तो दोस्तों ये देखिए, और ना जाने कितने दिनों में ये बाढ़ का पानी निकल पाएगा। और पीछे आप मेरे देख रहे होंगे, सामने ये घर है, वो वाला सामने घर बिल्कुल पानी में डूबा पड़ा है, पूरा ही छत दिख रही है बस हल्की सी। और देखते हैं दोस्तों, और वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, रोड साइड में लोग रहने पे मजबूर हैं, कितने सारे लोग हैं। सरकार ने इनका पता नहीं किस तरह से ध्यान रखा है, नहीं रखा है, लेकिन हालात ज़्यादा ही खराब है। देखिए दोस्तों, अपना ट्रैक्टर हो, अपना जो ज़रूरी सामान था वो लोग लेके निकले होंगे, तो इनको पता भी नहीं चला होगा पानी का लेवल कब बढ़ गया यमुना में। जब तक पता चला होगा, जब तक ये काफ़ी देर हो चुकी होगी। और देखिए दोस्तों, ये अपना सामान, छोटा मोटा सामान लेके आ गए हैं ऊपर। देखिए दोस्तों, इनके पानी का इंतजाम है यहाँ पे, और ये कुछ लोग शायद यहाँ डोनेशन कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पे कई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो हम चलते हैं अपने और आगे की तरफ। देखिए दोस्तों, इनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है इस टाइम। हम लोग बेशक अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन इन लोगों की जिंदगी देखिए, ऑन रोड बैठे, ना बिजली है, ना पानी, इनकी सुविधा है, बस ऐसे दिन काट रहे हैं ये लोग। ये देखिए दोस्तों, कितने लोग परेशान होंगे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए खाट पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लेटे हुए हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इनकी देखरेख के लिए आगे आते होंगे। देखिए कुछ बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के, ये भी अच्छी बात है। ये देखिए दोस्तों, बेबस लोग हैं बिल्कुल। कब यमुना का पानी का लेवल नीचे जाएगा और कब लोग ये अपनी जिंदगी जी पाएंगे? अभी तो बहुत मुश्किल में टाइम कट रहा होगा इनका। देखिए दोस्तों, ये सामने ये तीन चार घर हैं जो देखिए पूरे तरह से डूबे पड़े हैं, पूरा डूबा पड़ा है ये जो। और वो कुछ लोग वहाँ पर रहने पे मजबूर हैं ऑन रोड, और ये घर तो इनका गया, ना जाने कितने दिन में ये पानी का लेवल नीचे जाएगा। दोस्तों ये सामने देखिए, ये हाईवे है जो आगे जाता है नोएडा की तरफ, और इसके किनारे देखिए यमुना किनारा है। और यमुना देखिए किस तरह से पानी भरा हुआ, अभी भी कई हद तक पानी सूख गया है, लेकिन अभी भी पानी है। जो लोग यहाँ रह रहे थे वो अभी भी इसी तरह से रहने पे मजबूर हैं ऑन रोड पे। देखिए ये जो फ्लाईओवर का काम अभी चल रहा था मयूर विहार फेस वन के पास, और जो आगे कनेक्ट करता है सरायकालेखा की तरफ, देखिए इस रोड के ऊपर कुछ लोग अभी भी रहने पर मजबूर हैं। और अगर आप देखिए वो सामने हाईवे पे भी कुछ लोग रहने पे मजबूर हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ पास से। ये देखिए कितने सारे लोग हैं जो सड़क किनारे रहने पे मजबूर हैं। और भी आगे देखिए आप हाईवे पे, आप सामने देख पा रहे होंगे ये वाइट कलर के जो छोटे छोटे घर हैं, ये दिल्ली सरकार ने दिए इन्हें टेम्परेरी बना करके, ताकि जब तक यमुना का पानी का लेवल नीचे नहीं आता है इनके रहने लायक नहीं होगा, जब तक ये लोग यहीं रहेंगे। और जो बेसिक सुविधाएं होते हैं पानी की, वॉशरूम वगैरह की सारी सुविधा है, और खाने पीने का ये लोग किस तरह से कर रहे हैं, कुछ जो वॉलंटियर हैं वो लोग आते हैं
और दे के चले जाते हैं इनको, और जो आम पब्लिक है वो भी आती है, जिसकी जैसी गुंजाइश है उस तरह की वो सेवा करके यहाँ पे चले जाते हैं। तो ये भी अच्छा है, इस मुश्किल घड़ी में दिल्ली के लोग सब और दिल्ली सरकार इन लोगों का साथ दे रही है। देखिए दोस्तों, ये मयूर विहार का मेट्रो स्टेशन है सामने, और ये सर्कल है, और वो रास्ता सामने देखिए सराय काले खां की तरफ कनेक्ट होता है मयूर विहार से। अभी ये काम चल रहा है और ना जाने कब काम खत्म होगा ये। तो दोस्तों ये हाल है देखिए यहाँ का, और पानी का देखिए पूरा ही पानी है, इधर आगे भी पानी है, और आगे आप देख रहे होंगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए वहाँ भी कई सारे घर डूबे पड़े हैं अभी भी, ये देखिए। और ये देखिए पूरा घर डूबा पड़ा है, पूरा ही घर, और आगे भी देखिए वो सामने, वहाँ भी घर डूबे पड़े हैं, और ये देखिए आप बहुत ही बुरे हालात हैं यहाँ पे। यहाँ पे मच्छर वगैरह तो परेशान करते होंगे, और दिन में जैसे आज एक दो दिन से गर्मी थी, तो गर्मी में ये लोग बहुत परेशान हुए होंगे। आज का दिन तो काफ़ी अच्छा था, मौसम ठीक था, बारिश वगैरह नहीं हुई है, हल्की सी बारिश हुई है, लेकिन धूप नहीं थी, तो इन लोगों को थोड़ी राहत मिली होगी। और लेकिन दो तीन दिन से जो गर्मी थी, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। देखिए दोस्तों,